टेन परसेंट डिबेंचर्स की करंट ईयर वैल्यू है रुपीज़ वन लैख फिफ्टी थाउजेंड और प्रीवियस ईयर वैल्यू है रुपीज़ वन लैख और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको बता रखा है कि जो नए डिबेंचर इशू किए गए हैं वो थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री को करे गए हैं यानी करंट ईयर के बिल्कुल एंड में इतनी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आपको बताना है कि इतना इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स जो है वो कितना आएगा ठीक है बच्चों और साथ साथ आपको ये भी बताना है कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर और साथ साथ डिबेंचर्स इन दोनों का ट्रीटमेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैसे किया जाएगा ठीक है बच्चों तो पहले मैं आपको बता दूं बच्चों कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना निकलेगा और किस अमाउंट पे निकलेगा किस रेट से निकलेगा तो रेट तो टेन परसेंट के आगे टेन परसेंट जो लिखा है वो इंटरेस्ट का ही रेट होता है ठीक है बच्चों तो इंटरेस्ट तो टेन परसेंट निकलेगा ठीक है अब ये किस अमाउंट पे निकलेगा वन लैख फिफ्टी थाउजेंड पे या वन लैख ,00 पे तो जो आपको बता रखा था कि एडिशनल डिवेंचर इकतीस मार्च दो तेईस को इशू किए गए हैं इसका मतलब करंट ईयर के एंड में इशू किए गए हैं तो इसी से हमें पता चल गया कि हमें डिबेंचर का इंटरेस्ट कौन सी वैल्यू पे निकालना है हमें डिवेंचर का इंटरेस्ट निकालना होगा ओपनिंग वैल्यू पे जो कि है रुपीज वन लैख ,00 क्योंकि जो नए डिबेंचर आए हैं वो करंट ईयर के एंड में ही इशू किए गए हैं तो जो डिबेंचर आज ही इशू किए गए हैं उन पर कोई इंटरेस्ट नहीं निकाला जाएगा ठीक है बच्चों तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि डिबेंचर्स अगर करंट ईयर के एंड में इशू किए जाते हैं तो ऐसे में ये क्लियर हो जाता है कि जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है वो प्रीवियस ईयर बैलेंस पे ही निकाला जाएगा जो कि है रुपीज़ वन लैख और वन लैख का टेन परसेंट होता है रुपीज़ टेन थाउजेंड तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स हमारा निकल कर आया टेन बाय हंड्रेड इंटू वन लैख जो कि आया रुपीज टेन थाउजेंड ठीक है बच्चों अब हमने इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर तो कैलकुलेट कर लिया अब हमें यह भी बताना है कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में कहाँ शो किया जाएगा ठीक है और साथ साथ डिवेंचर्स भी कहाँ शो किए जाएंगे ये भी हम आपको बताएंगे बच्चों तो ये जो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स होता है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में एज ए प्लस आइटम शो किया जाता है इसको हम जो भी हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा आइटम्स आता है ठीक है बच्चों उसमें प्लस कर देते हैं इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स को क्योंकि इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स हमारा एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है और जितने भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हैं उनको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्सट्रॉनि आइटम्स में प्लस कर दिया जाता है ताकि हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस निकाला जा सके ठीक है बच्चों तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स का एक ट्रीटमेंट तो किया जाता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में और दूसरा ट्रीटमेंट इसका किया जाता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में क्योंकि इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स जो है वो हमारा एक फाइनेंसिंग का आइटम है फाइनेंसिंग का कैश आउटफ्लो है ये क्योंकि जो आपने इंटरेस्ट पे किया होगा तो आपका कैश का आउटफ्लो हुआ होगा और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स एक फाइनेंसिंग आइटम में इस बात को ध्यान रखिएगा और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की वजह से कैश का आउटफ्लो हुआ है दैट्स वाई एज ए माइनस आइटम शो किया जाएगा इन द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट ठीक है बच्चों अब रही बात डिवेंचर्स की तो डिवेंचर्स का प्रीवियस ईयर बैलेंस था रुपीज़ वन लाख और करंट ईयर बैलेंस है रुपीज़ वन लाख फिफ्टी थाउजेंड इसका मतलब ड्यूरिंग द का अकाउंटिंग ईयर कंपनी ने रुपीज़ फिफ्टी थाउजेंड डिवेंचर्स किए हैं और कुछ नहीं बताया गया तो ये डिबेंचर्स फॉर कैश ही इशू किए गए होंगे बाय द कंपनी इसका मतलब ये जो पचास हजार रुपए हैं एज एन इनफ्लो शो किए जाएंगे इन द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ऑफ कैश लो स्टेटमेंट ठीक है बच्चों तो ये फिफ्टी थाउजेंड जो डिबेंचर इशू हुए हैं वो शो किए जाएंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में एज एन इनफ्लो और जो इंटरेस्ट एंड डिवेंचर्स है वो दो जगह जाएगा एक ऑपरेटिंग में और एक फाइनेंसिंग में ऑपरेटिंग में तो इसको प्लस किया जाएगा और फाइनेंसिंग में इसको माइनस किया जाएगा मैंने आपको ये भी बता दिया है कि ऑपरेटिंग में इसको एग्जैक्टली कहाँ प्लस करेंगे आप अपने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्सट्रॉनिक आइटम्स में इस इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर को प्लस करेंगे ताकि आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ सके और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर माइनस किया जाता है क्योंकि आउटफ्लो ऑफ कैश है ये और इंटरेस्ट इन डिबेंचर्स हमारा एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है ध्यान रखिएगा और डिबेंचर का इशू किया जाना भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट है और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में वो इनफ्लो है क्योंकि इसकी वजह से फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में कैश का इन्फ्लो हुआ है ठीक है बच्चों उम्मीद करता हूँ कि इस पॉइंट का एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी तरह से में आया होगा